नमस्ते दोस्तों, आज मैं दिखा रही हूँ पिज्जा की रेसिपी, होममेड पिज्जा। और देखिए, एक चम्मच मैंने शक्कर ली है के उत्ता, गेहूं का आटा, बेकिंग पाउडर थोड़ा कम कर देते हैं। इसमें मैं 1.5 कप ले रही हूँ मैदा, यही बस, यही इससे, ये 1 कप और ये आधा कप, ये आधा कप को थोड़ा कम है टेस्ट के अनुसार। और इसमें मैं पहले सब ये जो ड्राई मैंने पाउडर डाले हैं, थोड़ी शक्कर, बेकिंग पाउडर और नमक, इसको एक में कर लेते हैं। 2 और 3 चम्मच मैंने दे रहे हम दही, और इसमें थोड़ा सा 5 चम्मच डाल देती हूँ मैं, 5 चम्मच डाल देती हूँ मैं खाली का सोडा, फूलेगा नहीं। ये देखे, दिखाती हूँ आपको, ये देखे 5 चम्मच है ये, और खट्टा दही है करके 1/4 चम्मच डाला। इसको अच्छे से हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा बनाते हैं, और बाद में इसको रेस्ट पे रखना है, आपको तो मालूम है, 1/2 घंटा उसको रेस्ट पे रखना पड़ेगा। ये सब सब्जियां काट के मैंने थोड़ी सी फ्राई कर ली है। हेलो गाइस, हम कर रहे हैं पिज्जा की रेसिपी, होममेड पिज्जा, और ये मैं डाल रही हूँ सांभर, फ्रेश सांभर। और ये बाकी सब चीजें आप तो जानते ही है, ये है पिज्जा सॉस, और ये है चिली पिज्जा, और ये है ओरेगानो, और ये मोज़रेला चीज है, ये मोज़रेला जैसा अमूल का है वो। चलिए तो अभी चालू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पिज्जा बेस बनाने की तैयारी कर। अभी हमने रखा है, अब बस 2 मिनट हाई करते हैं थोड़ा सा, और फिर एकदम सेव करते हैं। और ये हम डाल रहे हैं आखिरी लेयर, और ये फिर से जा रहा है,
थोड़ा डाल देती हूँ चिली फ्लेक्स लिए, और इसी में सब टेस्ट रहता है, आप भी जानते होंगे। और पूरा खत्म कर देते हैं, पूरी सब्जियां इधर खत्म कर देते हैं। मैंने सॉटे करके रख ली थी वो, और चीज डाल देते हैं, भरपूर सारा चीज डाल देते हैं। और देखिए आप भी करके देखिएगा, या करते होंगे तो आपकी क्या क्या मेथड है, क्या क्या डालती है, क्या क्या नहीं है, जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब इसको पूरा थोड़ा सा बीज बीच में ये भी डाल देते हैं फिर से टेस्ट के लिए। फिर से इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं हल्के हल्के इससे, और असली काम तो अभी ये चीज ही करने वाला है। सब तरफ से डालेंगे इसको, और देखिए अब ये कैसा होगा तो आप देखेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे। खाता पूरा गर्म हुआ है, और इसको रखते हैं इसमें। देखिए कितना सुंदर लगा है, अभी तो फिट बैठा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। देखिए अभी ढक के रखते हैं और सीम पे रखते हैं 40 मिनट के लिए। देखिए अभी हमारा पिज्जा तैयार है, और अभी देख लीजिए कितना अच्छा हुआ है, होममेड पिज्जा है ये, गणपति पिज्जा है ये। और अभी इनको हम काटने की तैयारी करते हैं, पहले देखते हैं इसको निकाल देते हैं पहले। और ये बहुत ही गर्म है, बहुत गर्म है ये, धीरे धीरे निकालेंगे इनको और देखेंगे। पहले होता है ये देखिए मस्त निकल रहा है ये है पिज्जा हमारा, बहुत ही सुंदर हुआ है। और आपके सामने दोस्तों पिज्जा तो निकल चुका है, अब हम काटते हैं और टेस्ट बताते हैं आपको। ये देखिए ये हमारे यहाँ कटर नहीं है करके थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, और दिखाते हैं आपको कट करके। ये देखिए ये अभी हमने ये हम दिखा रहे ये हमने कट किया है, और ये हम यहाँ रख रहे हैं। देखिए ऐसा बना है पिज्जा, और आशा है आप भी करके देखेंगे और खाएंगे, खिलाएंगे और एंजॉय करेंगे। धन्यवाद।